मैं फैजा खान, मैं यूपी लखनऊ की रहने वाली हूँ और मैं अभी खाली फर्स्ट ईयर में हूँ। और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट वेस्टर्न बॉर्डर से बच्चों को इवैक्यूएट कर रही है, बट हम लोग ईस्टर्न बॉर्डर में हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। हम लोगों के पास कोई भी न्यूज़ नहीं है कि हम लोग का कब इवैक्यूएशन होगा। और जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत बच्चे फंसे हुए हैं, इस वजह से मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारे इवैक्यूएशन हो और जल्द से जल्द हम अपने घर पहुँच जाएं सही सलामत। समय देने के लिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत अभी गंभीर चल रही है पूरी देश में। इसमें अभी लगातार आंखें बनाए हुई है और हमारे देश से भी कम से कम नहीं तो 20,000 से ज़्यादा छात्र वहां पर थे, और लखनऊ की सिर्फ बात करें तो कम से कम नहीं 70 से ज़्यादा छात्र और छात्राएं वहां पर हमारे फंसे हुए हैं अभी, जो कि राहत आयुक्त कार्यालय के आंकड़े में थे। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं लखनऊ की एक छात्रा हैं और जिनका नाम है फैजा खान, और फैजा खान के पिताजी हमारे साथ अभी मौजूद हैं तौकीर अहमद खान। ये लखनऊ के अलीगंज के इलाके में रहने वाले हैं। तौकीर जी, सबसे पहले हम आपसे, आप पहले अपनी बेटी के बारे में बताइए जो वहाँ पर अभी फंसी हुई है और किस सिचुएशन में है, जो आपकी लास्ट जो बात हुई है उससे वो क्या हुई है अभी? बेटी मेरी वीएन कराजान यूनिवर्सिटी खारकीव में पढ़ती थी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट है। तो अभी 4-5 दिन से वहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही थी और कोई निकलने के सिचुएशन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी एडवाइजरी खारकीव और ईस्टर्न रीजन के जितने भी सिटी है उनके लिए कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं जारी हो रही थी, जिससे परेशान हो गए बच्चों ने ग्रुप बना के आज जो है खारकीव छोड़ने का मन बनाया। तो करीब 100 बच्चों का ग्रुप 20-20 के बैच में निकले हैं पैदल, करीब 10 किलोमीटर रेलवे स्टेशन था उनके हॉस्टल से। उस बीच चारों तरफ बम्बार्डिंग हो रही थी, कैसे बचते बचाते ये लोग पहुंचे हैं वहां पे रेलवे स्टेशन पे। एक ट्रेन थी अवेलेबल, सामने खड़ी थी, लेकिन उस पे यूक्रेनियन को प्रेफर कर रहे थे, चढ़ने नहीं दे रहे थे। इसी तरीके से कुछ बच्चे चढ़ पाए, लेकिन मेरी बेटी को नहीं सीट मतलब चढ़ने को मिला। तो वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन पे वेट कर रही है, मोस्ट प्रोबेबली आधे या एक घंटे बाद कोई नेक्स्ट ट्रेन आएगी तो उस पे उसको अगर चढ़ने को मिला तो वो बोर्डिंग कर सकती है। अभी वहीं रेलवे स्टेशन पे बैठ के वेट कर रही है। ऐसी सिचुएशंस और ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो आपने बताया, इसका तथ्य कई सारे टीवी चैनल्स में दिखा रहे हैं कि वहां पर जो बॉर्डर्स पे जो जा रहे हैं वो यूक्रेनियन के ज्यादा पहले प्रेफर कर रहे हैं निकलने के लिए, उसके बाद जो दूसरे देश चाहे वो इंडिया हो वहाँ के स्टूडेंट्स को निकलने के लिए बिल्कुल लास्ट में उनको ऑप्शन दे रहे हैं। ये भी चीज सामने देखने को मिल रही थी जो आपने इस चीज को बताया भी अभी। जैसे ये सिचुएशन बन रही थी वॉर की तौकीर जी, बहुत समय से बनना शुरू हो गई थी और पैनिक क्रिएट हो गया था, लगातार बस हो रहा था कि आने वाली है, मतलब ये वॉर सिचुएशन आ सकती है। वहां के जो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपकी बेटी पढ़ रही थी वहां के, इसके बारे में बताया गया था, पहले से बताया गया था कि बहुत क्या सिचुएशन रही, कब तक इनको इन्फॉर्म किया गया था? एक्चुअली 15 के आसपास एक एडवाइजरी इंडियन एम्बेसी ने जारी की थी कि जो नॉन एसेंशियल पर्संस हैं जिनको यहाँ रुकना जरूरी नहीं है वो लोग यहाँ से लीव कर जाएं। लेकिन एक्चुअली जो एजुकेशन के लिए गया है वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं तो वो तो नॉन एसेंशियल नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी कोई ऐसा नहीं क्लू दे रही थी, इवन लास्ट डे 23 को क्लासेस चली हैं, नॉर्मल चली हैं, बच्चे रात तक 10 बजे तक जिसको बाहर थे घूमे फिरे सब कुछ करे, और 24 को मॉर्निंग पे ये अटैक स्टार्ट हुआ है। तो क्योंकि वहां पे एक्चुअली क्या है कि पहले भी एक दो बार जैसे क्रीमिया वगैरह में छिटपुट हुआ है तो जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे होता था वो उसी पे सेंट्रिक रहता था, पूरे कंट्री पे कोई असर नहीं आता था। तो वो लोग ऐसे ही कह रहे थे कि भाई उस जो दो स्टेट इंडिपेंडेंट कर दिए हैं तो ये वहीं तक कुछ होगा और उसके बाद इस पे कोई ऐसा एग्रेशन नहीं होगा। तो जो एडवाइजरी जारी भी हुई थी तो वो एक सिंपल टाइप की थी, फिर उसके बाद जो फ्लाइट्स भी जारी करी गई तो 22 24 26 को 3 फ्लाइट्स दी गई थी एयर इंडिया की, उसमें भी सिर्फ एक फ्लाइट आ पाई 22 तारीख को, और उस पे फेयर्स भी बहुत हाइक कर दिए गए थे और सीट भी मिलना, क्योंकि अगर सब लोग जाना चाहें भी तो 20,000 बच्चे नहीं जा सकते थे, और 2 दिन में एक फ्लाइट ऑर्गेनाइज की गई थी जो स्पेशल थी। और यूक्रेनियन एयरलाइंस की वीक में एक या दो डायरेक्ट एयरलाइंस फ्लाइट चलती है, बाकी दिनों पे
अगर आपको जाना है तो फिर वो डिफरेंट लेवर्स है, दोहा में है और एम्स्टर्डम में है, दूसरी जगह से होके आती है। तो गर्ल्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है जो फर्स्ट ईयर में है कि दो तीन जगह फ्लाइट चेंज करके आए। तो एयर इंडिया की जो स्पेशल फ्लाइट थी वो एक ही आ पाई, 24 तारीख को जो जा रही थी वो ईरान से वापस आ गई, वो जा भी नहीं पाई। तो बच्चे अगर प्लान जो कर भी रहे थे वो भी नहीं निकल पाए। और जैसे जो फर्स्ट ईयर में बच्चे पहुंचे थे उनका वीजा एक्सटेंशन एक्चुअली होता है, 3 महीने का वीजा मिलता है, स्टूडेंट वीजा यहाँ से मिलता है, उसके बाद वो 6 साल के लिए वहां पे एक TR इशू करते हैं जो वीजा एक्सटेंशन कहलाता है, कि अब वो 6 साल आने जाने के लिए कोई वीजा नहीं लेना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आते हैं। तो अभी मैक्सिमम बच्चों को TR नहीं मिल पाया था और मैक्सिमम बच्चे इसी का वेट कर रहे थे कि इसी तरीके से TR मिल जाए तो हम लोग तब मूव करें, क्योंकि अगर TR नहीं मिलता तो फिर पूरा प्रोसेस जो एडमिशन के टाइम पर उन्होंने किया था, न्यू वीजा लेना, वहां पे वीजा एक्सटेंशन अप्लाई करना, सारी चीज प्रोसेसिंग करना, अब वो अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 लाख कॉस्ट होता है। तो अब हर पेरेंट्स इतना अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं था कि इतना कॉस्ट बिल्कुल अफोर्ड कर सके, तो थोड़ा सा, और इतना पैनिक भी नहीं था। अगर शायद इतना पैनिक होता तो वो भी छोड़ के आदमी कहता कि आ जाइए। तो यही सब सिचुएशन बनी जिसकी वजह से वहां से बच्चे नहीं निकल पाए और आज इस सिचुएशन में फंस गए हैं। तो अभी लास्ट टाइम आज आपकी बात हुई थी सुबह उन बेटी से। नहीं, बात तो अभी आधे घंटे पहले भी उनसे हुई है, वो वही सिचुएशन बता रही थी कि गई वहां पे, ट्रेन खड़ी थी लेकिन एंट्री इनको नहीं मिल पाई, कुछ लोग कैसे कैसे करके एंट्री करे हैं और वहां पे भीड़ भी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि हर आदमी इन जो ईस्टर्न पार्ट के हैं उसे निकलना चाह रहा है। तो यूक्रेनियन भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, अदर जो नेशनल्स हैं किसी उसके बिजनेस के पर्पज से वहां पे हैं, तो हर कोई वहां से निकलना चाह रहा है, तो इसलिए वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा है, तो वहां पे जगह नहीं मिल पाई। अब वो वेट कर रहे हैं प्लेटफॉर्म में, अब देखिए नेक्स्ट ट्रेन कब आती है। जी, किसी लोकल तरह की कोई मदद, कोशिश कर रहे हैं जी, ये भी जी। हाँ सर, पूछिएगा। किसी तरह की कोई मदद जो भारतीय दूतावास की तरफ से, जिससे ऐसे स्टूडेंट्स, जैसे ना कि आपकी बेटी, केवल बहुत से स्टूडेंट्स वहां पर होंगे जो रेलवे स्टेशन पर गए हुए हैं, भाग रहे हैं, उनको, जैसे कि आपने बताया भी और खबरें भी आ रही कि भारतीय छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स या इनके लोगों के साथ, मतलब एक सौतेला टाइप का व्यवहार किया जा रहा है, कि मतलब उनको फिर जैसे बॉर्डर पे भी पहुंच जा रहे हैं, वहां भी दिक्कत हो रही है। तो क्या अब आपसे, उनसे बात हुई, कोई ऐसे कांटेक्ट में है किसी के, जैसे भारतीय एम्बेसी बात करें या फिर कोई और किसी तरीके से संपर्क में है? नहीं, एक्चुअली एम्बेसी का जो है चाहे MEA की हेल्पलाइन दिल्ली की है, वो एक उनके पास फॉर्मल आंसर होता है कि एडवाइजरी जारी करी जाएगी, उसके हिसाब से आप देखिए। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है वो कहीं पे भी कि कहीं से इवैक्यूएशन के लिए कोई प्लान, एडवाइजरी जारी होती है, आप लोग ट्रेन पकड़ के आप वेस्टर्न पार्ट में जाइए। अब इस सिचुएशन अच्छा में बच्चों को खुद ट्रेन पकड़ना, और आज जैसे आज फिर एक एडवाइजरी जारी हुई है कीव के लिए कि आप लोग सारे लोग जितनी जल्दी हो आज ही खाली कर दीजिए कीव। तो अच्छा अब कैसे ऐसे संभव? में बच्चों को खुद ही जो अरेंज करना वो खुद कर रहे हैं। इवन बॉर्डर में कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि बॉर्डर से पहले कोई इंडियन एम्बेसी की कोई बस वगैरह खड़ी हो कि उसमें अगर बैठ के अलग से जाए तो उनको एक अलग ट्रीटमेंट मिल जाए कि भाई ये यूक्रेनियन की भीड़ से, उनको तो वहां पे रहना है जाके जिस कंट्री पे वो जा रहे हैं, और हमको तो सिर्फ वहां पे जाके क्या है कि अपने कंट्री वापस आ जाना है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि वो अभी वहां पे जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करके तो वो जितने दिन वार चलेगी या 6 महीने साल भर उनको रहना होगा, तो उनको ट्रीटमेंट एक अलग हो सकता है, क्योंकि उनके लिए उन्हें बहुत ज्यादा इंतजाम करना होगा उन कंट्री को। लेकिन जो इंडियन या अदर कंट्री के स्टूडेंट्स है उन्हें तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि हम वहां पे पहुंच गए, वहां से हमें पिकअप कर लिया गया। लेकिन बिल्कुल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही, क्योंकि वो नॉर्मल की तरह उनको बॉर्डर क्रॉस करनी पड़ रही है कि जैसे उनको भी वहां जाके रिफ्यूजी की तरह रहना है। जी। तो अभी जैसे अब दिक्कत, तो इस टाइम से खाने पीने की भी दिक्कत हो जाएगी, पैसे की भी जी दिक्कत, जी जिस तरह आप बता रहे हैं सबसे ग्रुप से कट गई हैं, तो मतलब वो जी कुछ जी ही स्टूडेंट्स हैं जो साथ में, आप 100 लोग निकले थे, उनमें से कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ बच्चे हैं, तो इनके जी पास अब बताया भी होगा उसने आपसे कि कुछ खाना पीना कैसा क्या, वो उस टाइप की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भी?
नहीं अभी थोड़ा सा अब जो दो चार बच्चे हैं वो मिलके किसी तरह मैनेज करेंगे। अब वहां पे वो ग्रुप के जो लोग पहले गए हैं अब वो वेट करके फिर एक बार इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। और ये लोग जैसे यहाँ से खार्किव से लिविव के लिए निकल रहे हैं, फिर वहां से इन लोगों को बस अरेंज करनी होगी बॉर्डर तक के लिए। अब बॉर्डर में भी क्या सिचुएशन बनेगी, अब जैसे अब हम लोग कुछ उम्मीद ये कर रहे हैं कि बॉर्डर पे जैसे हमारे 4 मिनिस्टर भेजे जा रहे हैं यहाँ से, जैसा कि सुनने में आया था कि हर एक बॉर्डर के लिए एक एक मिनिस्टर गए, अगर कुछ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहां पे इंतजाम इस तरह का बसों का करा सके, इवन बॉर्डर पॉइंट पे ही, कि वहां पे एंट्री पे जो पैनिक हो रहा है उनके साथ वो ना हो सके, तो एक वही बच्चों के लिए बहुत बड़ा इंतजाम हो जाएगा। बाकी तो नहीं हो पा रहा और सिचुएशन भी चलिए टफ है कोई बात नहीं, लेकिन जो बॉर्डर की सिचुएशन है वो तो मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट हैंडल कर सकती है। अब आपकी तरफ से आपकी और आपकी तरफ से पूरे पेरेंट्स लगभग सभी यही डिमांड कर रहे हैं कि वो जो सहूलियत जो ये मिल जाए कि जो अभी बच्चे फंसे हुए हैं उनको कम से कम बॉर्डर से इधर बॉर्डर तक सुरक्षित लाया जाए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज वगैरह की जा सके ताकि वो बॉर्डर की तरफ आ सके, जिससे कि वो फ्लाइट के जरिए फिर। हाँ, क्योंकि देखिए दिन में तो टेम्परेचर थोड़ा 4-5 डिग्री बॉर्डर पे है, लेकिन जैसी नाइट होती है वहाँ टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली -5 -6 चला जाता है, ऊपर से स्नोफॉल भी होती है और उसपे खुले पे इंतजार करना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए अब ये भी वहां पहुंचेंगी कितना वेट करना पड़ेगा, जैसे कि वीडियो आ रहा है सुनने में आ रहा है कि 24 घंटे 36 घंटे से लोग खड़े हुए हैं वहां पे, तो अब यही सोचे। लेकिन अब यहाँ भी ऐसी पैनिक सिचुएशन है कि यहाँ भी रुकने को नहीं कह सकते कि आप रुके रहिए, क्योंकि कब तक ये चलेगा ये भी नहीं कोई क्लियर हो रहा, तो अब मजबूरी में बच्चे को कहना पड़ा कि भाई आप ग्रुप के साथ सारे ग्रुप जा रहे थे तो आप भी चले जाओ, यहाँ पे अकेले हॉस्टल में रह जाओगे तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएशन हो जाएगी कि अकेले बाद में आप कैसे निकलोगे। बिल्कुल। खाने पीने का इंतजाम तो कि वो कैसे हो पा रहा है वहां पर अभी? अभी जब तक हॉस्टल में थे तो हॉस्टल में तो वो प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब हॉस्टल के बाद जब से निकले अब निकल गए तो अब जो भी करना है खुद करना है, बाहर कहाँ पे कौन सा होटल खुला मिलेगा नहीं मिलेगा अब तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या आगे कंडीशन इन लोगों को फेस करनी पड़ेगी। आपकी बेटी वहाँ फर्स्ट ईयर में थी? जी जी जी। हाँ अच्छा, तो थोड़ा बताइए कौन सा कोर्स कर रही थी, कैसे क्या डिटेल? मेडिकल का MBBS कोर्स करने गई थी, अभी दिसंबर में वो गई थी और अभी 2 ही महीने हो पाए थे उसको, फर्स्ट ईयर में थी MBBS करने गई थी। अच्छा, कहाँ? क्यू क्यू में थी ना? नहीं, खार्किव में। खार्किव में थे? ओके, खार्किव में। ठीक है टॉकी जी, हम पूरी प्रेयर करते हैं भगवान से भी वो जल्दी से जहाँ भी हो सुरक्षित रहें और जल्दी से जल्दी वो अपने देश और आपके साथ वापस आ सके और यहाँ पर सुरक्षित रह सके। बस एक रिक्वेस्ट और दी, अगर आप फॉरवर्ड कहीं कर सके जी, कि जैसे ये लोग लीव में पहुंचेंगे लिविव में, तो अगर लिविव में हमारी इंडियन एम्बेसी कुछ ऐसा यहाँ से अरेंजमेंट कर सके, या बॉर्डर के लिए ही कोई ऐसे कि इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं इनके लिए कोई ऐसा, क्योंकि अब हम ये थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ स्थिति अच्छी हो सकती है क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स वहां पे गए हुए हैं। बिल्कुल। तो हाँ, तो अगर इस पे कुछ अरेंजमेंट यहाँ से कि लिविव में कोई रजिस्ट्रेशन टाइप कोई कैंप ऑफिस बोला तो था कि कैंप ऑफिस ओपन होगा, लेकिन फोन्स वगैरह लगते नहीं, पिकअप होते नहीं, तो अब इसमें थोड़े सा ये है कि अगर इस पे कुछ हो जाए, जैसे ये लोग अब आज रात के नहीं तो मॉर्निंग तक की लिविव पहुंचेंगी, वहां पे अगर कोई ऐसा इंतजाम हो जाए कि जहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लें कुछ ऐसा, तो अब तो बेटर रहेगा। बिल्कुल सर, ये वीडियो जो आपने हम लोग से बातचीत की है इसका पूरा अंश वहां तक जाएगा और उनके संज्ञान में पूरा ही आएगा, और उम्मीद है कि आपने जो मांग की है उसका संज्ञान लेकर वो लोग उसके लिए कुछ एक्शन लेंगे जरूर। एक सवाल लास्ट में मेरे पास और आया था जी, यही सुनते हुए कि लखनऊ के कुछ और लोग भी हैं, मतलब जो आपकी बेटी उनके साथ लखनऊ के भी कुछ लोग हैं कि कुछ दूसरे? लखनऊ के भी है, दूसरे सिटीज के भी है, मतलब कि एक इनके रूम पार्टनर ही बिजनौर की है और दिल्ली की है, गुड़गांव की है, लखनऊ के भी कई बच्चे हैं इनके साथ में जो आ रहे थे, तो उसमें से 2 बच्चे तो ट्रेन उनको मिल गया चढ़ने को लखनऊ के थे, लेकिन इनको नहीं मिल पाया है। इस तरीके से बच्चे तो काफी हैं वहाँ पे। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बस आपसे यही कहेंगे कि आप थोड़ा संभल बनाए रखिए, बाकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि
सही सलामत सभी आपकी बेटी और सभी देशवासी वापस लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद उनको करने के लिए।